कठुआ जकबड़ मार्ग पर शेरपुर खड्ड के नीचे संदिग्ध परिस्थितियों में एक बिजली विभाग के कर्मी का शव बरामद हुआ है और ये बताया जा रहा है ये कर्मी कल शाम से अपने घर से निकला था जो कि जकबड़ इलाके का रहने वाला है और एक घर पर ये बताया कि लाइन फॉल्ट है उसको ठीक करने के लिए वहां से निकला लेकिन अपने घर पर वापस नहीं लौटा, जिसके बाद उसके परिजनों ने ढूंढने का प्रयास किया, मोबाइल पर संपर्क करने का प्रयास किया लेकिन उसका मोबाइल जो है वो नहीं लगा, नंबर नहीं लगा और उसके बाद उसको ढूंढने का प्रयास जगह जगह पर किया और आज सुबह उसका शव शेरपुर खड्ड से जो कि सहार खड्ड का इलाका है उसके ठीक शेरपुर खड्ड पर बने पुल के नीचे उसका शव बरामद हुआ है और जिस मोटरसाइकिल पर सवार होकर घर से निकला था वो मोटरसाइकिल भी वहां से बरामद हुई है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचित किया है, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि यह हादसा पेश आया है लेकिन हालात अभी तक पुलिस ने साफ नहीं किया है और ये संदिग्ध परिस्थितियों में बिजली विभाग के कर्मी की यहाँ पर मौत हुई है। बहुत ही एक दुखद समाचार कठुआ इलाके से, यहाँ पर बिजली विभाग के एक कर्मी की यहाँ पर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है जिनकी पहचान रंजीत कुमार पुत्र चुनी लाल जो कि लोहर जखबड़ के रहने वाले हैं और 45 साल के करीब इनकी उम्र बताई जा रही है और कल शाम अपने घर से निकले थे लेकिन आज सुबह इनका शव शेरपुर खड्ड से बरामद किया गया है। नगरी पुलिस की टीम मौके पर पहुंची हुई है और पुलिस ने अपनी कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है।